आयोग ने 2014 लोकसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाने वाले साइबर हैकर सैयद शुजा के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और FIR दर्ज करने को कहा है। इससे पहले EVM मामले में शुजा ने दावा किया था कि 2014 के लोकसभा चुनाव में धांधली हुई थी और EVM को हैक किया जा सकता है। EVM बनाने वाली कंपनी ECIL यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने लेटर जारी कर साफ किया है कि शुजा ने कभी उसके साथ काम नहीं किया है। BJP ने लंदन में EVM की कथित हैकिंग पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को सर्कस, बकवास और कांग्रेस समर्थित राजनीतिक स्टंट करार दिया है। पार्टी ने कहा है कि ये भारत के लोकतंत्र चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश थी। BJP ने प्रश्न उठाया है कि हैकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल क्या कर रहे थे और हैकर ने अपना चेहरा ढका हुआ क्यों था। उसने चेहरा ढका हुआ था और रिपोर्टरों के सवालों के जवाब नहीं दिए। अमित शाह ने आज ममता बनर्जी के गढ़ से उन पर हमला बोला। अमित शाह ने मालदा की जनसभा में आरोप लगाया कि ममता के राज में बंगाल कंगाल हो गया। शाह ने विपक्षी गठबंधन पर भी हमला करते हुए कहा कि कुछ लोग केवल हाथ उठाकर मोदी को नहीं हरा सकते। जो लोकतंत्र का गला घोट रही है, भारतीय जनता पार्टी को अपनी चुनाव यात्रा निकालने नहीं दे रही है, ऐसी तृणमूल सरकार रहेगी या जाएगी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी के बहाने कांग्रेस पर हमला बोला। PM मोदी ने कहा, कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री के वक्त 1 रुपए में 15 पैसे ही जनता तक पहुंचता था, मगर उन्होंने तकनीक के जरिए ऐसे बदलाव किए कि वो 85% की लूट 100% खत्म हो गई। भारत ने दुनिया में अपना स्वाभाविक स्थान पाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया। PM ने कहा कि बीते 4.5 साल में सरकार ने 5,78,000 करोड़ रुपए घोटालेबाजों या बिचौलियों के हाथ जाने से बचाए हैं। सरकार ने ऐसे 7 करोड़ लोगों की पहचान की है जो दरअसल थे ही नहीं, मगर दस्तावेजों में सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे थे। PM मोदी ने 15वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन पर ये तमाम बातें कही। काशी का सांसद होने के नाते PM ने खुद को मेजबान बताया। PM मोदी ने तुमकुरु मठ के स्वामी श्री श्री शिव कुमार के निधन पर दुख जाहिर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को अहम बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री की आवाज पर होने वाली यह बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। PM मोदी की अध्यक्षता वाली इस बैठक में लोकसभा चुनाव से पहले सरकार बड़ा दांव चल सकती है। जानकारी के मुताबिक जनरल कैटेगरी में EWS के लिए 10% कोटा का विस्तार कर सकती है मोदी सरकार। इसके साथ ही 10% का कोटा माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज में भी लागू किया जा सकता है। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 26 विजेताओं को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया। इन पुरस्कारों में नवाचार, शैक्षिक, खेल, कला और संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी श्रेणी के तहत राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए एक संयुक्त पुरस्कार भी शामिल है। इस साल बाल शक्ति पुरस्कार के लिए कुल 783 आवेदन हासिल हुए। बिहार विकास दर में देश भर में नई इबारत लिख रहा है। रेटिंग्स एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बिहार पूरे देश भर में ग्रोथ रेट में अव्वल है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्यों के विकास दर के मामले में बिहार टॉप पर है। इस दौरान बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP 11.3% की दर से बढ़ा है। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार राष्ट्रीय औसत के हिसाब से बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए रोजगार सृजन मामले में भी अव्वल रहा। रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर है। नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले में कथित तौर पर पूर्व CM रमन सिंह और उनकी पत्नी का नाम आने को लेकर रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर पलटवार किया है। रमन सिंह ने कहा है कि भूपेश सरकार हमारे 15 साल की पूरी जांच कर ले, किसी भी मामले में कोई गड़बड़ी सामने नहीं आ सकती। भूपेश सरकार जो भी कार्रवाई कर रही है वो राजनीति से प्रेरित होकर कर रही है। वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि सरकार रमन सिंह को व्यक्तिगत तौर पर टारगेट कर रही है। अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब पुलिस को धमकी दी। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि वो हर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और इस दौरान उन्हें जानकारी मिल रही है कि कांग्रेसी नेताओं के इशारे पर अकाली कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी केस दर्ज किए जा रहे हैं। अकाली दल ने दावा किया कि अकाली BJP सरकार बनने पर फर्जी केस दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की कर्जा माफी योजना प्राइवेट बैंकों से कर्जा लेने वाले किसानों के लिए नासूर बन गई है। सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिया कर्ज तो माफी कर रही है, लेकिन प्राइवेट बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों की कर्ज माफ के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया। सरकार के नियमों में फंसे इन किसानों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याएं बताई, लेकिन कलेक्टर ने भी नियमों का हवाला देकर किसानों को वापस भेज दिया। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव भावांतर योजना पर अपने बयान से पलट गए हैं। अब तक योजना को बंद कराने का बयान देने वाले कृषि मंत्री सचिन यादव ने अपने सुर बदलते हुए कहा कि इस योजना की समीक्षा की जाएगी, योजना की गाइडलाइंस में बदलाव किया जाएगा। अब हम आपको सुनाते हैं कि भावांतर योजना को लेकर सचिन यादव ने क्या बयान दिया था। खबर है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाराजगी जताने पर, दरअसल भावांतर योजना के बंद होने की खबर आते ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताई और विरोध की धमकी दी। इसके बाद सरकार ने यू टर्न ले लिया। पंजाब के फरीदकोट में CIA स्टाफ ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अलग अलग मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे हेरोइन और नशे की 300 गोलियां बरामद हुई है। पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चल रहा है, इसी के तहत CIA ने इन तस्करों को दबोचा। सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कर्नाटक के तुमकुर में सिद्धगंगा मठ के प्रमुख शिवकुमार स्वामी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर राज्य के तमाम सियासी दिग्गजों के अलावा कर्नाटक के पूर्व CM BS येदुरप्पा और योग गुरु रामदेव भी मौजूद रहे। सोमवार को 111 साल के शिवकुमार स्वामी का निधन हो गया था। शिवकुमार स्वामी 1930 में लिंगायत साधु बने थे। शिवकुमार स्वामी 12वीं शताब्दी के समाज सुधारक बासवा के अवतार माने जाने वाले। राजस्थान के कोटा में बदमाशों ने महज चंद मिनटों में एक मोबाइल शॉप को अपना निशाना बना लिया। कोटा के प्रेम नगर इलाके के मोबाइल शॉप से 3 लाख के मोबाइल फोन समेत नकदी लेकर चोर आसानी से फरार हो गए। चोरी की ये पूरी वारदात शॉप में लगे CCTV में कैद हो गई। दरअसल देर रात इस वारदात को अंजाम देने के लिए चोरों ने बड़े ही शातिर अंदाज में पहले आसपास के घरों के बाहर की कुंडली लगाई और फिर 3 चोर ताला काटकर मोबाइल शॉप में दाखिल हुए और महज कुछ मिनटों में मोबाइल फोन, LED TV और कुछ कैश लेकर फरार हो गए। राजस्थान में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या 49 पहुंच गई है। राजस्थान के 31 जिले स्वाइन फ्लू के चपेट में हैं। ताजा आंकड़े के मुताबिक राज्य में अब तक स्वाइन फ्लू के 5,367 सैंपल लिए गए, जिनमें से 1,233 पॉजिटिव पाए गए। स्वाइन फ्लू से राजस्थान के जोधपुर संभाग में सबसे ज्यादा 29 लोगों की मौत हुई है। जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में स्वाइन फ्लू के मरीज सबसे ज्यादा आ रहे हैं। ग्लैमर की दुनिया छोड़कर हरियाणा की 22 साल की लड़की सिमरन साध्वी बन गई है। इंदौर में आयोजित जैन भगवती दीक्षा महोत्सव में सिमरन को दीक्षा देकर साध्वी गौतमी नाम दिया गया। उन्होंने कहा कि मैंने ग्लैमर की दुनिया जी ली, अब सत्य की खोज और मानव कल्याण के मार्ग पर चलूंगी। सिमरन ने माता पिता की मौजूदगी में वैराग्य धारण किया। अब साध्वी गौतमी गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगी। हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी हिस्से में भी पारा शून्य से नीचे पहुंच चुका है। शिमला में हुई बर्फबारी से जमीन पर जन्नत जैसा नजारा ठंड में इजाफा कर रहा है। सैलानी भी बर्फबारी होने से काफी खुश नजर आ रहे हैं। बर्फबारी से शिमला का हर हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। मनाली और डलहौजी में भी बर्फबारी का दौर जारी है। ताज़ा बर्फबारी से जगह जगह बर्फ जमी है।